मैं गुजरात से हूँ और मेरा किडनी का प्रॉब्लम 2 साल से है, और 2 साल से है। 2 साल पहले मेरा क्रिएटिन लेवल 2.5 था, तब मैंने अहमदाबाद में सबसे बड़ा हॉस्पिटल जायडस हॉस्पिटल उसकी दवाई शुरू की, और उसके बाद थोड़ा 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 क्रिएटिन बढ़ते बढ़ते मेरा क्रिएटिन 13 हो गया। उसके बाद हमको वो हमारे पापा के फ्रेंड है, उन्होंने बताया कि यहाँ नेचुरोथेरापी शुद्धि में दवाई अच्छी होती है और डायलिसिस बंद हो जाता है। तो हम ये सुन के यहाँ आए, और यहाँ आके हमारे आज 6 दिन हो गए हैं, फिर भी एक भी डायलिसिस हुआ नहीं है, और अंदर से भी बहुत सारा फर्क है, 50% से भी ज़्यादा फर्क है 6 दिन में। डेराबस्सी हिम्स हॉस्पिटल आप 6 दिन पहले आए हैं? हाँ, 6 दिन पहले आए हैं, और मेरा जो दवाई था दिन की 25 गोली थी वो सब यहाँ आके, 25 गोली था? 25 गोली था। पच्चीस बताइए, 25 गोली खाती थी। यहाँ टाइमिंग क्या था गोली खाने का? सुबह 8 गोली थी, दोपहर को 6-7 गोली थी, और रात को 8 गोली थी। मतलब नाश्ता आप गोली ही करते थे? हाँ। और लंच में भी गोली? हाँ। और डिनर में भी गोली? हाँ। वो ये सारा सब गोली छूट गया यहाँ? ये यहाँ के सब गोली छूट गया। और उस गोली के बदले में यहाँ नाश्ते में फ्रूट्स दिया जाता है? फ्रूट्स आते हैं, और वो जो देते हैं सलाद, वो मैं अच्छे से खाती हूं। लंच में जो मेडिसिन खाते थे वो यहाँ पे आपको सलाद दिया जा रहा है? हाँ, सलाद। रात में भी खाना अच्छा खासा दिया जा रहा है? अच्छा दिया। तो मेडिसिन छूट के फूड एज ए मेडिसिन यहाँ पे आपका वर्क कर रहा है? वर्क कर रहा है, और यहाँ जो भी बताते हैं मैं वो अच्छे से फॉलो कर रही हूँ। तो आप अगर यहाँ से ठीक होके पूरी तरह से जाते हैं तो अपने फैमिली मेंबर्स को और गुजरात के भाइयों को क्या बोलना चाहेंगे? मैं गुजरात के भाइयों को बताऊंगी कि किसी को भी किडनी का प्रॉब्लम हो तो यहाँ आके 7 दिन या 9 दिन की थेरापी लेके और ये फॉलो करके ठीक हो जाए। आपके साथ यहाँ पे और कितने किडनी पेशेंट हैं, लगभग कितने को देख रहे हैं आप? मैं यहाँ तो बहुत सारे किडनी पेशेंट को देख रही हूँ, पर मुझे इसे यहाँ का जो किडनी पेशेंट है उसका सबसे अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। लगभग 50-55 किडनी पेशेंट हैं यहाँ पे? हाँ, उससे भी ज़्यादा है। उससे भी ज़्यादा है, और सब में इम्प्रूवमेंट दिख रहा है आपको? हाँ, सब में इम्प्रूवमेंट दिख रहा है, जो भी जाता है वो अच्छा होके जाता है। अच्छा, उतना पक्का है। तो पुराना से पुराना किडनी पेशेंट हो या जस्ट अभी डायग्नोस हुआ है, वो सारे यहाँ पे क्योर हो सकते हैं? हाँ हाँ, यहाँ पे सब जो भी पेशेंट आते हैं, डायलिसिस वाले आते हैं, क्रिएटिन ज़्यादा वाले आते हैं, वो सभी 6-7 दिन में ठीक होके जाते हैं, और उसके बाद 2-3 महीने की तरह का परहेज रखना पड़ता है।